हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं आखिरी बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, जो कि है क्रिकेट 2022 गेम। यहां पे फाइनल्स देख लीजिएगा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है। मैंने लास्ट वाले सेमीफाइनल वीडियो के अंदर ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया ही खेलेगी। यहाँ पे सेम टू सेम वही प्लेयर्स को खिलाया हूँ जो कि फाइनल खेलेगी ऑस्ट्रेलिया से भी और इंडिया से भी। जो भी लोग खेलेंगे ना, उन्हीं को मैंने यहाँ पे खिलाया है। कद्दू भी चेंजेस नहीं है यहाँ पे। भाई देख लो, जो भी प्लेइंग 11 थी मैंने उनको खिला लिया है। यहाँ पे टॉस के लिए आ चुके हैं, टॉस उन्होंने बोला टेल्स, और टॉस रोहित शर्मा जीत चुके हैं। यहाँ पे टॉस जीतने के बाद मैंने बोला कि भाई बॉलिंग करूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है भाई, चेज में कद्दू भी कुछ कर सकती है वो। यहाँ पे पहला बॉल वाइड होता है, उसके बाद यहाँ पे एज लगता है और जा चुका है यहाँ पे डीप स्क्वायर के पास, चौका डीप पॉइंट के पास, भाई डीप स्क्वायर नहीं, डीप पॉइंट के पास जा चुका है एक चौका। एक ओवर के अंदर 7 रन आए थे। उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद सिराज को देता हूँ एक इन स्विंग गैरकर, और यहाँ पे LBW कद्दू भी नहीं होता है। थर्ड ओवर का पहला बॉल यहाँ पे इन स्विंग दलाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे खूबसूरत सा ड्राइव, एक कद्दू भी वहां पे रन नहीं आया है। यहाँ पे चौथा बॉल वापस से इन स्विंग लाता हूँ, थोड़ा सा आफ्टर टच देके थोड़ा सा वो बाहर जा रहा था, रूम मिला और जड़ चुके हैं वो एक्स्ट्रा कवर्स पे चौका, डीप एक्स्ट्रा कवर्स पे चौका जा चुका है। यहाँ पे ट्रेविस हेड 13 पे खेल रहे हैं, डेविड वार्नर 7 पे। यहाँ पे 6 ओवर चल रहा है, वापस से थोड़ा सा लेंथ बॉल और यहाँ पे आउट स्विंग दिलाता हूँ, और इतना खतरनाक 6 मारा है ना लॉन्ग आर्म के पास, भाई लॉन्ग आर्म और डीप मिड विकेट के बीच में जा चुका है वहां पे चौका। यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट भी था, रूम भी मिला और जड़ चुके हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर्स पे, वापस से डीप एक्स्ट्रा कवर्स पे चौका। यहाँ पे 7.2 पे 47 रन। यहाँ पे यार्कर की कोशिश, यार्कर को फुल टॉस पे तब्दील किया और इतना खतरनाक पेला है ना यहाँ पे डेविड वार्नर ने, भाई साहब मजा आ गया यार ये 6 देके। यहाँ पे इनकी 50 भी हो चुकी है। अभी मैं 9th ओवर दे चुका हूँ यहाँ पे स्पिनर्स को। पहला ओवर यहाँ पे स्पिनर जो ही खतरनाक डलाते है ना, उसके बाद यहाँ पे 10th ओवर देता हूँ वापस से स्पिनर को, कुलदीप यादव को थोड़ा सा लेंथ बॉल डला रहा हूँ यहाँ पे। भाई साहब यहाँ पे खतरनाक वाला बॉल, थोड़ा सा घूमा, गुगली बॉल डलाने की कोशिश की। यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ में बदलाव किया, थोड़ा सा आगे डला के मैंने आफ्टर टच थोड़ा सा बॉल धीमे रखा, और यार यहाँ पे जो ही खतरनाक विकेट लेता हूँ ना डेविड वार्नर की, भाई मजा आ गया। 55 पे 1 विकेट जा चुकी है, 10 ओवर हो चुके हैं यहाँ पे। भाई KL राहुल और यहाँ पे रोहित शर्मा स्लिप और विकेट कीपर में खड़े हैं। यहाँ पे 13 ओवर 3 बॉल, यहाँ पे 74 रन। यहाँ पे थोड़ा सा गंदी बॉलिंग, यहाँ पे मिसफील्डिंग भी होता है यहाँ पे, और जा चुका है यहाँ पे चौका डीप मिड विकेट पे कह सकते हो, एक स्वीप शॉट मारा था लेकिन जा चुका है चौका। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑटो सिमुलेशन कर देता हूँ। ऑटो सिमुलेशन करने के बाद ट्रेविस हेड तो खतरनाक वाला खेल रहे थे, 95 पे आउट हो चुके हैं वो, और 50 ओवर पूरे खेलने के बाद उन्होंने टारगेट बनाया है 331 रन। भाई 331 रन यहाँ पे देख लो, मैं मीडियम में रखे था तो मैंने बोला कि भाई हार्ड में रख लेंगे, क्योंकि बैटिंग थोड़ा अच्छा खेलेंगे भाई, और जो भी बॉलिंग थी वो मीडियम में रखे खिलाया, क्योंकि मेरे को भी पता है यार मेरी बॉलिंग अभी उतनी अच्छी नहीं है कंपैरेटिवली यहाँ पे जो बैटिंग चल रही है। अभी पहला बॉल वहाँ पे शॉर्ट बॉल आया था और उसके बाद लेंथ बॉल चेंज होता है, उसकी वजह से वहाँ पे कद्दू भी कुछ नहीं आता। यहाँ पे फुल टॉस, थोड़ा सा स्ट्राइक ड्राइव खेला और यहाँ पे एक रन ले चुका हूँ। दूसरा बॉल के अंदर यहाँ पे शुभमन गिल से पहला रन आ चुका है। रोहित शर्मा यहाँ पे थोड़ा सा स्लॉट पे मिलता है बॉल और उठा के खेला है स्ट्राइक हिट और जा चुका है यहाँ पे लॉन्ग आर्म के ऊपर से एक छक्का। यहाँ पे दोबारा से लेंथ बॉल और मैंने थोड़ा सा पीछे आके खेला बैक फुट पे और जा चुका है डीप कवर के पास 1 बाउंस 2 बाउंस चौका। भाई शॉट देख लो यार रिप्ले के अंदर, और यार यहाँ पे यॉर्कर बॉल डलाने की कोशिश, लो फुल टेस्ट में तब्दील करता हूँ लेकिन टाइमिंग ओके था, उसकी वजह से यहाँ पे डीप कवर पे जा चुका है एक चौका।
रोहित शर्मा अलग ही लेवल के फॉर्म में चल रहे हैं भाई यहाँ पे, और होपफुली फाइनल पे ऐसे ही खेले भाई, सेंचुरी एक्सपेक्ट करता हूँ रोहित शर्मा से अगर आ जाए ना भाई। सोचो अगर 40 बॉल के अंदर सेंचुरी आ जाए, मजा ही मजा होगा। यहाँ पे लेंथ बॉल वापस से डलाते हैं और मैंने दोबारा से वही शॉट खेला, लॉन्ग रन के पास से जा चुका है एक आसान सा सिक्स। यहाँ पे 2.3 ओवर के अंदर 32 रन हो चुके हैं। यहाँ पे शॉर्ट बॉल आता है और मैंने ये भी डिविलियर्स की शॉट मार चुका हूँ यहाँ पे भाई, कुछ भी कहो ये शॉट नेक्स्ट लेवल वाली शॉट है भाई। 26 पे खेल रहे रोहित शर्मा और 19 पे खेल रहे शुभमन गिल, 45 रन हो चुके हैं, नो लॉस। यहाँ पे लेंथ बॉल मिलता है, स्वीप शॉट खेला है यहाँ पे और यहाँ पे आसानी से 2 रन ले लेता हूँ, खूबसूरत सा स्वीप शॉट यहाँ पे। यहाँ पे 47 रन हो चुके हैं, रोहित शर्मा को बॉल यहाँ पे आ गया के खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जा चुका है एक खतरनाक वाला 4 भाई, 4 या 6 था भाई ये मेरे को सच में नहीं पता वॉइस ओवर करने के समय, हाँ 4 गया हुआ था। यहाँ पे दोबारा से सेम बॉल, दोबारा से आगे के खेला, लेकिन यहाँ पे मेरे को डर लग रहा था कि भाई क्या चली जाएगी, लेकिन थोड़ा सा वो मिड ऑफ का जो बंदा है थोड़ा सा आगे था, उसकी वजह से यहाँ पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जा चुका है एक चौका, चौका गया था, छक्का गया था भाई, 6 गया था शायद यहाँ पे। 57 पे नाबाद यहाँ पे, खूबसूरत सा ड्राइव शुभमन गिल का और एक डीप कवर के ऊपर से जा चुका है चौका, ऊपर से कैसे बोल रहा हूँ भाई, नीचे से गया था। यहाँ पे लेट खेलने की कोशिश लेकिन अर्ली एज लगता है और जा चुका है यहाँ पे एक डीप बैक पॉइंट के पास एक चौका भाई, देख लो यार रिप्ले यहाँ पे दिखा दिया हूँ मैं। 43 पे खेल रहे हैं यहाँ पे रोहित शर्मा और ये कौन सा कैच पकड़ा मेरे को सच में नहीं पता भाई। यहाँ पे पैट कमिंस आते हैं और आते ही पहला ही बॉल यहाँ पे उन्होंने विकेट ले लिया भाई, ये कौन सा कैच पकड़ा मेरे को सच में नहीं पता भाई, पहला ही बॉल वहां पे कैच ले लिए वो। और यार लाबुशेन भाई का मैं क्या बोलूं भाई, बंदा फील्डिंग भी कर लेता है और बैटिंग भी कर लेता है और कभी कभी बॉलिंग भी कर लेता है भाई, वो अलग ही लेवल का फॉर्म में चलता है। उस बंदे को ना आई थिंक वो टेस्ट के अंदर किसी का रिप्लेस के लिए लिए थे भाई, रिप्लेस में एक बार लिए थे भाई, चांस किसी को मिले और वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना किसी से सीखना है ना भाई, लाबुशेन से सीखता है भाई। वो एक मैच के अंदर जो ही खेला उस सीरीज के अंदर भाई, वो बंदा परमानेंट हो गया स्क्वाड के अंदर भाई, ओडीआई में भी खेल लेता है, टेस्ट में तो भाई मचा के रखता है भाई वो। लेकिन उसके आगे भाई हमारे किंग कोहली 50 ओडीआई सेंचुरी तो हो चुकी है ऑलरेडी लास्ट वाले वीडियो के अंदर ही, और यार आपको भी पता है यार 50 सेंचुरी होने के बाद जो ही इमोशनली वहां पे दिखे थे किंग कोहली, यहां पे उठा के खेला है रोहित शर्मा ने और यहां पे जा चुका है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौका और 24 बॉल के अंदर यहां पे हो चुकी है 53 रोहित शर्मा की भाई, एक खूबसूरत सी पारी सेल्फलेस इनिंग्स यहाँ पे। और भाई सब लोग बोलते हैं कि किंग कोहली को भाई वो थोड़ा स्लो खेलते हैं भाई, उनका रोल ही वो है यार। यहाँ पे रोहित शर्मा तो पेल ही रहे थे दूसरों को और उसके बाद यहाँ पे पार्टी ज्वाइन करने के लिए आ चुके हैं किंग कोहली भाई, बैक टू बैक यहाँ पे 2 छक्के मार चुके हैं हेजलवुड को, यहाँ पे वापस से आके आगे खेला, यहाँ पे 1 बाउंस 2 बाउंस 3 बाउंस यहाँ पे चौका जा चुका है, रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन कद्दू भी वहां पे रोका नहीं गया। यहाँ पे लेंथ बॉल आगे के खेला, मेरी फटके 4 हो रही थी यहाँ पे कैच ना जाए, लेकिन डीप पॉइंट के पास जा चुका है वहां पे एक चौका, यहाँ पे रोहित शर्मा ने उठा के खेला है डीप बैक पॉइंट के पास, और यार यहाँ पे मेरे को नहीं पता कि भाई कितनी दूर से आया वो बंदा और आके कैच पकड़ लिया है भाई, भाई मेरे को लगा कि वो 6 जाएगा भाई, शॉट देख लो यार खतरनाक वाला शॉट था, लेकिन भाई जो ही पकड़ा है ना मिचेल स्टार्क ने भाग के आके भाई, ये खूबसूरत सी पारी खेल के गए। यहाँ पे शेयस अय्यर आए, पहला ही बॉल उठा के खेला, यहाँ पे डीप एक्स्ट्रा कवर्स के पास जा चुका है यहाँ पे एक छक्का भाई, मजा आ गया। यहाँ पे विराट कोहली 49 पे, लाबुशेन बॉलिंग करा रहे, यहाँ पे स्वीप शॉट खेला 2 रन के लिए, मैं यहाँ पे भागता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि 2 रन हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद वापस से रोकता हूँ। यहाँ पे 50 हो चुकी है किंग कोहली की भाई,
किंग कोहली ये मैच भी रोक नहीं रहे भाई। हाईएस्ट वर्ल्ड कप रन के रेस में ना ये एक बंदा यहाँ पे टारगेट सेट करके जा रहा है भाई। और यार यहाँ पे देख लो ओडीआई के अंदर ये सबसे ज्यादा कुछ रन्स मारे हैं और आईपीएल के अंदर भी खतरनाक वाले वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड बना के गए हैं। और यार यहाँ पे रन्स की बात ही कर रहे थे, यहाँ पे श्रेयस अय्यर भी अच्छा खेल रहे थे लास्ट वाली मैच में, आज लाबुशेन को यहाँ पे विकेट देना पड़ा। भाई मेरे को नहीं पता कि भाई ये कौन सी शॉट खेला, मैंने हमेशा स्पिनर्स को आउट होता हूँ भाई, लेकिन आपको मैं बता ही रहा था कि किंग कोहली के रन्स के जो भी रिकॉर्ड थे और 2016 के सीजन में जो ही पेल के रखा था ना भाई किंग कोहली, वो रिकॉर्ड भाई। और यहाँ पे वर्ल्ड कप का आई डोंट थिंक सो कि कोई भी यहाँ पे 711 रन ऑलरेडी हो चुके हैं, वो और भी फाइनल मैच है वहाँ पे भी एक शतक आ गया ना। और यार ये वाला जो भी है गेम यहाँ पे देख लो यार, वापस से क्रैश हो गया। मैं क्यों दिखाया किस लिए मत पूछता, बस मेरे को लग रहा था कि दिखा दूँ आज कितनी बार मेरा गेम क्रैश हो रहा था। एक दो बार मैंने यहाँ पे वीडियो दिखा दिया है क्योंकि एडिटिंग के टाइम पे मैं काट देता हूँ क्योंकि आपको भी बोर ना लगे बोल के। यहाँ पे 170 पे 3 विकेट्स और 19.5 ओवर चल रहा है, 173 हो चुका है यहाँ पे। शॉर्ट बॉल अर्ली यहाँ पे लगता है और जा चुका है फीचे वाले में, जो भी वो फीचे का स्टैंड होता है वहां पे चौका। यहाँ पे केएल राहुल आगे के खेला और कदमों का सही इस्तेमाल किया और जा चुका है डीप कवर के पास। यहाँ पे एक खूबसूरत सा सिक्स भाई, सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे मार चुके हैं राहुल यहाँ पे सिक्स भाई, मजा आ रहा है यार देखने के लिए। 64 पे खेल रहे किंग कोहली, यहाँ पे दोबारा से उठा के खेलने की कोशिश, लेकिन जो ही पड़ता है ना फेस पे बॉल भाई, केएल राहुल को इतना खतरनाक बॉल पड़ा ना यहाँ पे फेस पे। यहाँ पे देख लो स्लो मोशन में दिखाया हूँ भाई, अगर वो हेलमेट ना होता ना भाई बहुत खतरनाक वाला बॉल लगता। यहाँ पे दोबारा से लेंथ बॉल, थोड़ा सा रूम मिला मेरे को और विराट भाई का यहाँ पे एक खूबसूरत सा क्लासिकल ड्राइव खेला और जा चुका है एक खूबसूरत सा चौका। 24.1 बॉल के अंदर 212 रन, उसके बाद आ गया के खेला और जा चुका है डीप कवर के पास एक सिक्स। यहाँ पे स्पिनर्स आ चुके हैं वापस से एडम जंपा और एडम जंपा को भी उठा के खेला है, यहाँ पे गैप था डीप पॉइंट के पास जा चुका है एक चौका। उसी चौके के चलते हुए यहां पे 50 हो चुकी है केएल राहुल की, 81 पे खेल रहे हैं यहां पे किंग कोहली। दोबारा से यहां पे क्लासिकल ड्राइव मारा है किंग कोहली ने और जा चुका है यहां पे फोर। भाई साहब मजा आ रहा है यार, हार्ड में रख के खेल रहा हूं यहां पे, टाइमिंग्स जो हो रही है ना भाई एज भी वैसे ही लग रहे हैं भाई, एकदम रियलिस्टिक दिख रहा है मेरे को यहाँ पे खेलने के लिए। दोबारा से शॉर्ट बॉल पुल खेलता हूँ लेकिन अर्ली होता है, उसकी वजह से बस एक ही रन मिलता है मेरे को यहाँ पे। सही से कनेक्ट होता ना भाई एक सिक्स जाता वहाँ पे। 86 पे किंग कोहली यहाँ पे दोबारा से एक खतरनाक वाला बॉल डालता है, मैंने बोला कि भाई यहाँ पे स्वीप शॉट खेलेंगे, स्वीप शॉट खेला, 3 रन मेरे को यहाँ पे मिल गए और बहुत ही खतरनाक वाली वहां पे फील्डिंग किया और दोबारा से यहां पे गेम मेरा क्रैश हो गया था। यहां पे देख लो एडम जंपा को मैं इतना यहां पे खेला हो ना भाई, बस सिंगल और डबल सिंगल और डबल, क्योंकि ये बंदा नाक में दम करके रखा था भाई मेरे को। यहाँ पे 100 की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों की भाई, दोनों एक खतरनाक वाला डुओ है भाई। यहाँ पे शॉर्ट बॉल दोबारा से अर्ली होता है और दोबारा से जा चुका है सेम टू सेम यहाँ पे चौका, मिचेल स्टार्क को भी पेल के रखा है मैं यहाँ पे। 60 पे खेल रहे केएल राहुल, यहाँ पे स्लॉट पे मिलता है भाई साहब, थोड़ा सा टर्न होता ना भाई विकेट जाती केएल राहुल की, भाई थोड़ा सा टर्न नहीं मिला भाई उस बंदे को वरना वो विकेट जाती। यहाँ पे आ गया के खेला भाई, यहाँ पे आ गया के खेलने के बाद थोड़ा सा भी टाइमिंग डायडोल हो ना भाई, फटके चार होती है भाई, कहीं कैच ना चले जाए बोल के। यहाँ पे 97 पे किंग कोहली खेल रहे थे, दोबारा से यहाँ पे उठा के खेला और जा चुका है डीप पॉइंट के पास यहाँ पे सिक्स, किंग कोहली की हो चुकी है यहाँ पे 51 सेंचुरी। भाई साहब कलम इनकी, हिस्ट्री इनकी, ये हिस्ट्री लिखते जा रहे हैं। अरे फलक देख इनकी झलक, सितारे भी ऊपर से देख के यहाँ पे जगमगा रहे हैं। ये कहाँ से मैंने कॉपी किया मेरे को भी नहीं पता, आई थिंक मैंने एक रियल क्रिकेट में जो भी कॉमेंट्री करते हैं उनका नाम पता नहीं, उनकी मैं कॉमेंट्री यहाँ पे कॉपी कर चुका हूँ भाई, कोई नहीं बोलेगा कि कॉपी है, यहाँ पे मैंने इंस्पिरेशन लिया हूँ कॉमेंट्री से।
मजाक कर रहा हूँ यार, जो भी मेरे को वहां पे मैंने देखा था मैंने बता दिया कि मैंने कहां पे देखा था। इसको कॉपी नहीं बोल सकते कि भाई हाँ इन्होंने एडमायर किया कि किसी ने यहाँ पे बोला था उसको मैंने बोला बोल के। यहाँ पे 284 पे खेल रहे हैं और 3 विकेट के नुकसान पे 3-3-3 यहाँ पे ओवर हो चुके, 3-3 और .3 यहाँ पे 2 back-to-back यहाँ पे चौके जा चुके हैं मिचेल मार्श को। भाई साहब मजा आ गया यहाँ पे खेलने के बाद। 35 ओवर्स हो चुके हैं, केएल राहुल ने आगे के खेलने की कोशिश, यहाँ पे एज लगता है लेट होता है उसकी वजह से, जा चुका है थर्ड मैन की दिशा में एक चौका, क्योंकि जो भी शॉट थर्ड मैन ने था ना उसके बाजू से ही गया था। तो यहाँ पे 100 की भी पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों की, 301 रन हो चुके हैं, 36.3 बॉल्स। यहाँ पे लेंथ बॉल मिलता है और मैंने थोड़ा सा बैक फुट पे जाके खेला, यहाँ पे लॉन्ग ऑन के पास जा चुका है खूबसूरत सा 6। और यार ये वाली गेम जो है मैंने रिकॉर्ड किया था और एडिट भी कर चुका हूँ, वॉइस ओवर भी कर चुका हूँ। अभी इसके बाद जो वॉइस ओवर दोनों जो सिंक करना है वो मेरे को मोबाइल में करना है, क्योंकि कल मेरे को जाना है अपने घर को, व्लॉग बनाऊंगा, व्लॉग देखो आप, व्लॉग डालूंगा गाँव को जब जाऊँगा तब, तो इसलिए मेरे को फ़ोन में एडिट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वहाँ पे एडिटिंग में कुछ आ जाए ना कम से कम तो मैनेज कर लेना यार। तो आज एक दिन आप एडजस्ट कर सकते हो, फाइनल मैच है लेकिन क्या करें, मेरे को गाँव भी जाना है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं लैपटॉप में जाके नहीं कर सकता। यहाँ पे 320 रन हो चुके हैं, केएल राहुल की भी यहाँ पे 100 हो चुकी है। भाई ये बंदा जो है ना भाई मेरा फेवरेट है भाई, ये बंदे को कितना ट्रोल किया भाई स्लो इनिंग्स बोल के, भाई क्या बोलूं, वो हर एक टाइप में खेल रहा है भाई। फास्ट चाहिए फास्ट खेलेगा, स्लो चाहिए स्लो खेलेगा, जब विकेट नहीं थ्रो करना है खेलना है वो खेल लेगा भाई, विकेट कीपिंग करना है कर लेगा, नंबर 1 पे खिलाओ खेल लेगा भाई, नंबर 4 पे खिलाओ खेल लेगा भाई। मैं कितने चीजें गिनाऊं, केएल राहुल भाई, भाई बैंगलोर वाले हैं केएल राहुल भाई, हम भी बैंगलोर वाले ही है तो भाई मजा आता है यार देखने के लिए भी। इंटरनेशनल क्रिकेट पे खेल रहे हैं किंग कोहली के साथ और MS धोनी के साथ भी खेले हैं आई थिंक, सही से याद नहीं है मेरे को, लेकिन भाई कुछ भी को बंदा एकदम नेक्स्ट लेवल है भाई साहब। यहां से बस मेरे को एक रन चाहिए था, इसकी वजह से मैंने बोला कि भाई किंग कोहली के हाथ से ये वाली वर्ल्ड कप की लास्ट मैच को खत्म करवाऊंगा, इसलिए मैंने बोला कि भाई यहां पे डिफेंस करेंगे। भाई मैंने पूरा ओवर डिफेंस किया यहां पे तब जाके मैंने स्ट्राइक दिया है, अगर एक रन ले लूंगा तो भाई मैच जीत जाएगी, तो इसलिए यहां पे लास्ट बॉल यहां पे उठा के खेला मैंने डीप पॉइंट, कद्दू पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो जाए भाई, यहां पे जा चुका है खूबसूरत सा 6 और इंडिया मैच जीत चुकी है भाई साहब। ये लास्ट वाला बॉल था कि अगले IPL में किंग कोहली खेलेंगे या नहीं मेरे को नहीं पता भाई, आई होप कि वो खेले, अगले वर्ल्ड कप के भी अंदर खेलेंगे ना तो मजा आएगा। यहाँ पे देख लो हमने फाइनली इंडिया जीत चुकी है 7 विकेट से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर फाइनल मैच, उन्होंने भी खतरनाक वाला टारगेट दिया था 330 रन 7 विकेट पे, लेकिन 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 हमारे जो बल्लेबाज थे भाई मजा आ गया यार। ये रोहित शर्मा की सेल्फलेस इनिंग्स भाई स्टार्टिंग की, एक खूबसूरत सी पारी, उसके बाद किंग कोहली का मिडल ऑर्डर्स और उसके साथ सपोर्ट देने के लिए श्रेयस अय्यर और केएल राहुल भाई साहब, मजा गया यार। ये सीरीज हमने जीत चुके हैं फाइनली, इंडिया ऑफिशियली भी जीत जाएगी। संडे के दिन ये वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके बाद वो मैच चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे देख लो यार सेरेमनी चल रही है, यहाँ पे किंग कोहली और रोहित शर्मा आगे बैठे हैं हमारा वर्ल्ड कप उठा के। भाई ये भाई इमोशनल भाई इतना खतरनाक इमोशनल हो रहा है ना मेरे को यहाँ पे भाई, कुछ भी कहो हमने ICC क्रिकेट मेंस वर्ल्ड कप 2023 ऑफिशियली भी जीतेंगे और गेम में भी जीत चुके हैं। और यहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज देख लो यार जो भी थे, किंग कोहली है यहाँ पे क्योंकि 774 रन, और मैंने सेमीफाइनल्स और जो भी फाइनल्स थे उसके रन्स को मैंने ऐड नहीं किया, अगर वो ऐड कर लेता तो भाई 1000 के करीब जाते, लेकिन कुछ भी कहो यार ये वाली सीरीज खेलने के लिए मजा आया। आपको कैसी लगी ये वाली सीरीज आपको कमेंट करके जरूर बताना होगा, तभी भाई को मोटिवेट मिलेगी। तो यार बस आज के लिए इतना ही है, और यार सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई जो भी लोग आप देख रहे हो इस वाले सीरीज़ को प्लीज़ 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 शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एक कमेंट भी करके जाना, जो भी क्रिकेट फ़ैन है उनको सबको शेयर करके कहना कि भाई एक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ना
भाई मेरे को इतनी खुशी देता है भाई, इतनी खुशी देता है क्योंकि मेरे को एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ भाई मेरे ड्रीम से। तो भाई आपका मेरे को इस वाले जो भी जर्नी है ना, आपका बहुत मेरे को साथ चाहिए। तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों को कह के, और यार लाइक करो सब्सक्राइब करो, वापस से बता रहा इतनी बार बोल चुका हूँ। और ये वाली सीरीज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं जल्द से जल्द माई करियर मोड वाली सीरीज शुरू करूँगा। आप उस वाली सीरीज़ को भी ऐसे ही प्यार देना जितना आपने यहाँ पे मेरे को वर्ल्ड कप की सीरीज को दिया था प्यार। तो यार चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं अगले सीरीज के साथ। तो अपना ख्याल रखना, बाय बाय।